अब देखिए, ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को, सेकंड से सेकंड को, तो क्या बचेगा? हेलो गाइस, हियर आई एम आशु एंड वेलकम टू योर लविंग चैनल हेल्पर सर मैथ एंड फिजिक्स। तो ये हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने तीन यूज तो कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके फोर्थ यूज को पढ़ेंगे। फोर्थ यूज क्या है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। फोर्थ है टू चेंज द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। फोर्थ यूज क्या कहता है, टू चेंज द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी भी सिस्टम की अगर कोई यूनिट दे रखी है या कोई भी क्वांटिटी आपको दी है, उसको कन्वर्ट कराया जाए अनदर सिस्टम में या दूसरे सिस्टम में, तो वहां पर हम इसके फोर्थ यूज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, क्या है वो, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। अब इसमें ये क्या क्या होते हैं, एन वन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, जो पहला वाला सिस्टम होगा उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू। यू होता है यूनिट, पहले वाले सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जो इक्वल में होते हैं यहां पर, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू बट इन अनदर सिस्टम, सेम यहां पर, ये भी यूनिट बट इन अनदर सिस्टम। केवल इसी फॉर्मूले का यूज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है उसमें। करते हैं इस पर बेस न्यूमेरिकल और समझते हैं इसके पूरे कंसेप्ट को। तो कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। लिखा होता है टू कन्वर्ट द वन न्यूटन ऑफ एमकेएस सिस्टम इन डाइन ऑफ सीजीएस सिस्टम। क्लियरली लिखा है कि एक न्यूटन एमकेएस सिस्टम का है, उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं उसको डाइन। न्यूटन और डाइन है क्या, ये है फोर्स की यूनिट, लेकिन न्यूटन है एमकेएस में, डाइन है सीजीएस में। तो एमकेएस में एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है सीजीएस में, वही हमें निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, केवल आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अभी लिखवाया था, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, तो उसी से ही करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी आपको बताया था, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आप करेंगे पेपर का पार्टीशन, एक साइड लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम, दूसरी साइड लिखेंगे सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम दिया है एमकेएस और दूसरा दिया है सीजीएस, तो इनके नीचे लिख देंगे ये एमकेएस है एंड ये सीजीएस है। अब यहां पर जो एन वन होता है वो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो देखिए फर्स्ट सिस्टम एमकेएस है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है एक, तो यहां पर एन वन की वैल्यू कितनी आ गई, एक। और जो U1 होता है वो फर्स्ट सिस्टम में उसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पे U1 को लेट कर लीजिए M1 L1 T1 माइनस टू। M होता है मास, L होता है लेंथ, T होता है टाइम, तो यहां से इसकी यूनिट आ जाती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पर N2, N2 ही तो हमें निकालना है CGS सिस्टम में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ये तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्या है, U2, U2 सेम रहेगी लेकिन यहां पर M2, L2, T2 की पावर माइनस टू कर देंगे, क्योंकि चाहे कोई सा भी फोर्स हो उसकी यूनिट तो सेम ही रहेगी, बस यहां पर इसलिए वन वन कर दिया है और यहां पर टू 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 कर दिया है। अब इसके बाद इसको करने का क्या तरीका है, तो देखिए एमकेएस सिस्टम में M1 ये मास होता है, तो मास आता है किलोग्राम में एंड लेंथ आती है मीटर में एंड टाइम आता है सेकेंड में, तो यहां पर हमने इनकी एक एक यूनिट लिख ली। अब सेम यहां पर करेंगे M2, अब देखिए CGS है, CGS में द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, तो यहां पर एक ग्राम, लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में एंड टाइम को मापते हैं सेकेंड में, सेकेंड तो सब में ही सेम रहता है। बस अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, इस फॉर्मूले में n1 की वैल्यू कितनी है, 1, u1 की वैल्यू ये रही m1 l1 t1 की पावर माइनस टू इज इक्वल टू n2, तो हमें फाइंड करनी है, तो ये तो सेम रहेगी, मल्टीप्लाई u2,
ये गिवन है एम टू एल टू टी टू दी पावर माइनस टू। बस आप एन टू के लिए इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे करेंगे, एन टू की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक से मल्टीप्लाई होके ये तो सेम आ जाएगा एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू डिवाइड में एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस टू। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये निकल के आ जाता है। इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी यहां से एम वन अपॉन एम टू को एक साथ लिख लिया, एल वन अपॉन एल टू को एक साथ लिख लिया, टी वन अपॉन टी टू को एक साथ लिख लिया, लेकिन इसकी पावर लगाना नहीं भूलना है माइनस का टू। बाकी सबकी तो सिंगल सिंगल पावर है तो उन पर कोई पावर नहीं लिखी है, लेकिन इसकी पावर माइनस टू है तो वो लिख दी है। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए M1 की वैल्यू कितनी थी, 1 किलोग्राम, और M2 की थी 1 ग्राम, सेम यहां पर लेंथ में, वहां पर थी 1 मीटर और L2 थी 1 सेंटीमीटर। टाइम तो दोनों में ही सेकेंड सेकेंड था, तो 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की पावर माइनस टू। अब यहां से ही लगाना है जो दिमाग लगाना है, क्या कि उन्होंने कन्वर्ट कराया है MKS को CGS में, तो इन सारी MKS की यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, CGS में। मास को CGS में मापते हैं ग्राम में, लेकिन यहां किलोग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, सेम यहां पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में ही समय को सेकेंड में मापते हैं। अब देखिए ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेकेंड को, तो क्या बचेगा, 1000 मल्टीप्लाई 100 इंटू, देखिए यहाँ तो 1 की पावर -2 है, 1 की तो पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे पावर्स के रूप में, 10 की पावर 5, यानी यहाँ से एन टू की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 5। तो इसलिए जो 1 न्यूटन होगा वो कितने डाइम के बराबर होगा, इसीलिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइम। जो 1 न्यूटन होगा वो 10 की घात 5 डाइम के बराबर होगा। तो बस इतना ही करना होता है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। एक इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन और है, क्या है मैं लिखवा देता हूं आपको, वो भी आप कर लेना, सेम ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या, टू चेंज द 1 जूल ऑफ MKS सिस्टम इन अर्ग ऑफ CGS सिस्टम। बस इनको कन्वर्ट कर लोगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ये 2 क्वेश्चन जो आपको लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर यूनिट एंड डाइमेंशंस की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आने वाली वीडियोस में हम नए नए टॉपिक्स को लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।